सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, रिंकू भाई की शादी में जाना है। कैसे हो जाऊं, मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है। ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। अच्छी है ना? वाह, बहुत अच्छी है। कहाँ से लाया? आपकी अलमारी से निकाल के लाए हैं। जल्दी रेडी हो जाओ, शादी में चलना है। सुनो ना, हाँ तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अरे पागल, मैंने तो अभी उन तक को नहीं छोड़ा जिनके ब्याह तक हो गए। टेंशन ले। हाय, पीछे कौन है? ये मेरा हस्बैंड है, बोलो ना कुछ। अमेरिका से वीडियो कॉल आया है मेरी फ्रेंड का। आई लव यू। तुम तुम्हारी हरकतों की बात नहीं आओगे। कहाँ गए थे? वो पड़ोसन के घर। किस लिए? हाँ एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। हमारी तो सास ऐसी हर चीज पे ताले लगा के थराई, रोटी भी गिर गिन के दही। चल इन वातन ने छोड़, कभी मठा भी दही, पानी मिला के दही, नोगा दही, निपनी पी के कहाल में जाओगी। कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कार के बदले में बेच दिया। देखो तुम तो ऐसा नहीं करोगे। अरे पागल, मैं तो साइकिल में ही मान जाऊंगा। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है? वही जो आप किया करते थे। कौन सी? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे भाई देखियो टाइम क्या हो रहा है। हा? क्यों, शादी से पहले कौन टाइम देखता था? अब टाइम ही मैं ही बताऊंगी। 10:30 हो रहे अभी तो। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। सुनो, अगर मैं कभी खो गई तो तुम क्या करोगे? तो मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। हाँ, तुम कितने अच्छे हो। वैसे क्या लिखोगे अखबार में? यही कि जिसको मिले उसकी। तुम्हारा काम कर करके ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों, तूने नापे क्या? हाँ, पहले मैं पैरों के अंगूठे छू लेती थी और अब देखो घुटनों तक भी नहीं पहुंच रहे। क्यों? मोटी हो गई है तू। चाचा मैं तेरे लोग बदल सॉरी तो मेरा निकल यहां से। खून पी जाऊंगा मैं तेरा। निकल। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। हम बता रहे, हमसे ज्यादा मत लड़ो करो तुम। कहीं ना लड़े, हम तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पति हो। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा होते रहते 24 घंटा। नहीं होते रहते तुम, आओ तुम 24 घंटे जल्दी बकर 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 बकर। वो तुम सीधे पल्ले पड़ गए ताजा कछू को। अगर हमारी जगह और कहीं हो तो मार मार फसा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब जब भी गोवा जाते हो मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जाते? मैं पागल हो गया यार, जब कोई होटल जाता है तो कोई टिफिन साथ में लेके जाता है क्या? गाइस, ये मेरी पत्नी है और बचपन से गूंगी है। इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करवा, फॉलो खत्म करवा दिया ना। आज हम तुम्हें लव के बारे में बताते हैं। लव रामचंद्र जी के छोटे मोड़ा को नाव हतो। पुलिस और पत्नी एक जैसी होती है, एक रिमांड से मारती है तो दूसरी डिमांड से। क्या ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं पायलट हूँ। ओह नाइस, क्या उड़ाती हैं आप? अपने पति के पैर। अरे प्रिया, रो क्यों रही है? मेरा दुख सुनोगी तो तुम भी रो दोगी। क्या हुआ?
स्कूल टाइम में जो लड़का मुझे छुप छुप कर देखता था, अब बड़ा होकर डॉक्टर बन गया है और अब देखने की फीस लेता है। अरे सुनती हो? हा? तुम्हारे भैया आ रहे हैं। हाँ सच में? हाँ कुछ मंगाना है? हाँ काजू किशमिश बादाम फ्रूट और मिठाई भी। ठीक है भैया लेते आना। हाँ क्या भैया लाएंगे? तो भैया आ रहे तो भैया ही लेके आएंगे ना। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। पहले जो उनके भीतर बास अंदर ही है बे मांस दो। उसके बाद चांद तारे बेर भाजी सब्जी टमाटर आलू भट्टा सब तोड़ ले आई हो। ठीक है हम इसका पति है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज रिचार्ज करा। हमारे वाले में, हमारे मम्मी वाले में, पापा वाले में करा दिया। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। कुछ नहीं चाहिए, बस कांधे पे पिया जी का हाथ हो और हर वक्त वो मेरे साथ हो। आजकल साली नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। भगवान जी इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दो। पागल हो क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बात कुछ समझ न पाई। बचपन से मेरा एक ही शौक था, अपने पति देव की खूब सेवा करूं। करती क्यों नहीं फिर? बचपन खत्म, शौक खत्म। भाभी जी आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। यार कभी तो ढंग से बन के रह लिया करो। अरे आप छोड़ो, आपका दोस्त तो मेरी बहुत तारीफ करता है। अरे वो उस्मान भाई होगा। आपको कैसे पता? वो तो साला है ही कबाड़ का व्यापारी। क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी लगोगे, एक बार नहा कर देखो ना। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। अरे बीवी किसी त्योहार से कम नहीं है भैया। क्यों? अरे हर चार पांच दिन में उसी को मनाना पड़ता है।